हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिंग वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, रामा राव ऑन ड्यूटी रवि तेजा की ट्रेलर आ गया दोस्तों, वो भी हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज ही मालूम चला कि वो हिंदी में रिलीज होने जा रही है 29 जुलाई को। दोस्तों, ये महीने पूरी की पूरी बवाल होने वाली है। चलिए हम जानते हैं हमारे एक्सपर्ट ऑटो वाले अंकल। जी हाँ दोस्तों, हमारे ऑटो वाले अंकल से आपको मिलाते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको कैसी लगी ये ट्रेलर और इनका क्या रिएक्शन है केलेस एक विलन रिटर्न्स के ऊपर। तो अशोक सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड मैटिनी वर्ल्ड में। और आपने देखी रामा राव ऑन ड्यूटी का ट्रेलर, मास महाराजा हीरो रवि तेजा, किस खास अंदाजे से आपको ये मूवी का ट्रेलर पसंद है? ट्रेलर तो इतना खतरनाक बता रहा है कि ये लग रहा है कि ये बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। क्या बात है जो कि, लेकिन एक बात यह है कि जो इसके पहले जो मतलब मास महाराजा जो रवि तेजा के साथ जो हुआ, जैसे हिंदी वर्जन में स्क्रिप्ट लेट आई, सबेरे के स्पीड हम लोग बेवकूफ जैसा इधर उधर भटकती आत्मा के जैसा भटके, वो नहीं होना चाहिए। पहली बात है ट्रेलर आई ना, तो इसके पहले जो है मतलब है, जो भी है इनको इसके कितने मतलब इसे स्क्रीन मिलेंगे, हिंदी वर्जन में आने वाली है कि नहीं आने वाली है, 4 दिन पहले इसके एडवांस बुकिंग चालू करो कि हाँ लगने वाली है, तो कुछ इसके मास महाराजा को भी थोड़ा ये प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनके भी जो फैन फॉलो है जो है वो आएंगे देखने के लिए, क्योंकि पहले से ही जो है उनको जो है मतलब नाराजगी मिली है। जैसे अब जो है मुझे भी अच्छी लगती है उनकी मूवी, कॉमेडी एक्शन और इतनी ज़बरदस्त मूवी है कि अगर ये सही टाइम पे अगर ये हिंदी वर्जन पूरी रिलीज करके ये करते हैं तो बहुत मतलब बहुत काटे। लास्ट सवाल रहेगा मेरा कि एक विलन रिटर्न्स के साथ ये मूवी क्लैश हो रही है, क्या लगता है कितना फर्क पड़ने वाली है मूवी को? देखो, पहली बात है कि 3-3 मूवी आ रही है, नहीं उस दिन 2 आ रही है। चलो अच्छी बात है, 2 आ रही है, अच्छी बात है, मतलब एक दिन पहले एक आएगी उसके बाद 2 आएगी, लेकिन घुमा फिरा के जाके तीनों एक साथ हो जाएगी, ये तो होने वाली है। वो तो है, वो तो है। होने वाली है, लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ मूवी अच्छी है। और रहेगी एक विलन 2 का, तो वो मूवी जो है ट्रेलर में अच्छी लग रही है। अब थिएटर में क्या है वो, तो क्योंकि मास महाराजा का जो है ट्रेलर में जो दिखाते हैं वो मूवी में भी देखने को मिलता है। अब ये हिंदी बॉलीवुड वाले कौन सा खीर पका रहे हैं और कौन सा ये कर रहे हैं ख्याली पकाओ, अब वो थिएटर में ही मालूम पड़ रहा है कि ये सही पकवान है कि कुछ उसमें गंगा जमुना डाला हुआ है, तो वो जो है थिएटर में ही मालूम पड़ेगा। और कितनी मूवी किसे इसकी, मैं यही बोलूंगा कि स्क्रीन लेने के लिए पहले से ही जो है मास महाराजा के लिए थोड़ा बहुत आ गया है और जो है पहले से ही मतलब एडवांस बुकिंग चालू करेगी। हम लोग को मालूम पड़े कि सवेरे का शो है, ये नहीं कि मालूम पड़े थिएटर पर गया तो तेलुगु मलयालम कन्नड़ में है और स्क्रीन नहीं है, शाम को मिलेगी। तो सर, लास्ट सवाल, 5/5 रेट कितना करेंगे? देखिए, ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा और मास महाराजा के लिए हमेशा जो है मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उनकी मूवी कम से कम नहीं तो 2-3 दिन में 2-4 मूवी वापस रिपीट देख लेता हूँ, तो इन्हें कम से कम 4 स्टार मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑटो वाले अंकल को काफी पसंद आई है रामा राव ऑन ड्यूटी का ट्रेलर। आप लोगों को किस खास तरीके से पसंद आई आप हमें जरूर कॉमेंट के माध्यम से बताएं, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।